नमस्कार, जोहर, जय यीशु साहब। दोस्तों, वेलकम टू सोए ब्लॉग। सोए ब्लॉग में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पोंकडी, और राउरकेला से लगभग 60 किलोमीटर है। और मैं सुबह अकेला यहां पे आया, और क्योंकि आप लोगों को ये प्रोग्राम दिखाना था, तो मैं पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर ये वेलकम गेट है, और थोड़ी दूर पर है चर्च, और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है कॉन्वेंट, सिस्टर लोग का कॉन्वेंट इस तरफ है। तो चलिए आप लोग को लेके चलता हूँ चर्च के और उधर का व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ी ही देर में चर्च प्रोग्राम, फादर अभिषेक का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरा में दिखाता हूँ यहाँ का वेलकम गेट किस तरह लगाया गया है। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, आज जो फादर अभिषेक ले रहे हैं, भार्जिल जोजो उनका नाम है, और मुंडा समाज के हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को देर ना करते हुए लेके चलता हूं चर्च के और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है वेलकम गेट, और दोनों तरफ पे फोटो लगाया गया है जिनका आज अभिषेक होने वाला है, जिनका नाम है डीएन भार्जिल जोजो एसबीडी। और दोस्तों, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर में लिखा है क्रूस विजय चर्च पोंगडी हार्टी वेलकम। दोस्तों, ऊपर में दो फोटो दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, एक है डीएन भार्जिल जोजो और दूसरा है रेवरेंज बिशप किशोर कुमार कुजूर डायसिस ऑफ राउरकेला, और उनके द्वारा ही आज फादर अभिषेक का प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये है चर्च, और चर्च का सामने यहाँ पे भी फोटो लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है, अभी मेहमान लोग आ रहे हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चे नाचने के लिए, डांस करने के लिए रेडी हैं, और थोड़ी ही देर में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, नया फादर जो कि आज अभिषेक होने वाले हैं, डीएन भार्जिल जोजो। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अभी प्रवेश डांस के लिए सब कोई तैयार है, माता लोग रेडी हैं डांस करने के लिए, और डांस करते हुए चर्च का अंदर में जाएंगे।
प्रभु के जीवन में